सो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड एक्चुअली जब आप लोग मुझे बहुत बहुत टाइम के बाद देखेंगे या बहुत टाइम के बाद मेरी वीडियोस आएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कभी ऐसा ना हो जाए कि आप लोग मुझे कहो कि वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नेहा। एक्चुअली बात यह है कि मेरे मम्मी यहाँ आए हैं, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी बताया था कि मेरी मम्मी नोएडा आए हैं और मेरे साथ कुछ दिनों से लेकर रह रहे हैं। सो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही थी और एज यूजल थोड़ा काम भी चल रहा है, दिन में सारा दिन ऑफिस में रहना एंड शाम को ऑफिस से घर आना, थोड़ा देर उनको टाइम देना, खा पी के सो जाना, बस यही चलता रहा। 10-15 दिन निकल गए। फाइनली मैंने ये सोचा कि बहुत 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 हो गया, अब मुझे एक बार फिर से वीडियो का स्टार्टअप करना चाहिए। और मैं यहाँ किचन के सामने खड़ी हूँ, किचन के सामने नहीं, मैं किचन में खड़ी हूँ बिकॉज ऑफ दूसरे रूम में मम्मी अपने शिवरात्रि का वीडियोस देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। आई थिंक ये जो व्लॉग आएगा वो अगले कल आएगा, आज नहीं आएगा, अगले कल आएगा। मैं एडिटिंग करके डालूंगी, कुछ कुछ क्लिप्स भी रखूंगी जैसे कि हमने जो जो कुछ किया। सो मैं आपको पहले तो अपनी मम्मी से मिला देती हूँ। और आप, हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? सो हियर इज माय मम्मी। और ये माता जी मेरी आधी रात को 3 बजे उठ के नहा के वॉक करके योगा करके फ्रेश फ्रेश बैठी हैं और मैं यहाँ पे एकदम चंपू। मैं जस्ट अभी उठी हूँ एंड सो बताना दोस्तों मेरी शक्ल किससे मिलती है, सेम टू सेम आई थिंक माय मॉमी, मॉमी यस, बट ये क्या है, लाल लाल बाल और लाल लाल दुपट्टा, सेम सेम। सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से मनाओ, पूजा करो, खाओ पियो, मस्त रहो, हम भी वही करने जा रहे हैं। और यहाँ मैं मम्मी के बाल बना रही हूँ, एक चोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हफ्ते में एक ही बार टाइम लगता है जब हम दोनों साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे भी आज तो मार्केट भी जाना था, मंदिर भी जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके बालों में एक अच्छी सी चोटी बनाई जाए। इसको वैसे पहाड़ी लैंग्वेज में खजूरी गुत्त बोलते हैं, खजूरी चोटी बोलते हैं, लेकिन जो भी है जैसा भी है अच्छा लगा, काफी अच्छी सी लगती है बार्बी डॉल की तरह। यहाँ मम्मी पहली बार मेट्रो में बैठे और मैंने कोशिश की कि इनको काफ़ी कुछ बताऊं, जैसे मेट्रो में कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है, कैसे टिकट लेना है और कैसे मेट्रो का सफ़र होता है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई लेकिन फिर भी इनको काफ़ी अच्छा अच्छा लगा, नया नया एक्सपीरियंस लिया इन्होंने। आज शिवरात्रि है और हम लोग जो कि मेरी मम्मी फ्रेम में नहीं आ रही है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थकी हारी एकदम सहमी सहमी पसीना पसीना हुई हुई मार्केट से आई हैं, हम लोग आज शिवरात्रि के पर्व में मंदिर घूमने गए थे, मंदिर दर्शन करने गए थे। और उसके साथ साथ मम्मी ने बोला बहुत टाइम हो गया मेरे को अंदर अंदर बैठे बैठे, अब चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और मेरे नज़दीक में सबसे नज़दीक की मार्केट अट्टा मार्केट, फेमस एकदम, आई थिंक आप सभी लोग अट्टा मार्केट घूम चुके होंगे और जो नहीं घूम चुके हैं वो एक बार ज़रूर विजिट करें। छुट्टी वाले दिन बिल्कुल भी ना विजिट करें क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है एकदम। और आप वर्किंग डेज में घूमो, मतलब मंडे से सैटरडे तक घूमो, खाओ घूमो पियो मौज करो, अपने हर चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा अच्छा सामान आया है अभी। सो पहली चीज़
पहली चीज हम ये बैग लेके आए और इस बैग में मैंने बहुत कुछ सामान भरा और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम क्या क्या लेके आए। फ्रूट्स, केले और ये रही मम्मी के लिए स्वेटर, एक पता नहीं जाती हुई गर्मी में मेरी माँ को क्यों स्वेटर पसंद आई, लेकिन दिल्ली का कुछ लेके जाना था इनको तो इन्होंने मेरा फेवरेट कलर लिया, बेबी पिंक कलर, और ये बेबी पिंक बिल्कुल इनकी बेबी के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बेबी पिंक कलर सिर्फ बेबीज के लिए बना होता है, सो ये मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट ये मेरे साइज का नहीं है। जब मैं मम्मी के साइज की हो जाऊंगी तो मैं ये बेबी पिंक कलर जरूर पहनूंगी। एनीवेज मैं आपको बाद में बताती हूँ मेरी माँ कैसी लगेगी इसमें। और ये हमने दो बैग्स लिए, कुछ ऐसे दिखते हैं, मुझे अच्छे लगे, थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, स्पॉन्जी टाइप में, सो हमने ये ले लिए। तो बाय द वे मैं रेट्स भी बता देती हूँ साथ साथ में, ये 100 के 100 के 2, ये 100 के 2 दिए उसने, हालांकि वो दे नहीं रहा था लेकिन मैंने छुड़ा लिया उसे। तो ये मेरी मम्मी के सॉफ्ट एंड सिल्की बालों के लिए पिंस ली गई हैं, हो गया। और ये कुछ ऐसा बैग है, बिल्कुल फ्लफी बैग है, इतना बड़ा बैग है, और ये हमें उसने 100 रुपए का दिया, बोल तो बहुत एक्सपेंसिव रहा था वैसे, 150 150 200 200 200, लेकिन इनका 200 सुनता कौन है। तो यहाँ पे भी इसमें चेन दी गई है, इधर पॉकेट है एक, पता नहीं पैसे रखने के लिए, हालांकि मुझे दिखा नहीं बिल्कुल भी, सो मैं बार बार अपना पॉकेट खोल रही थी, यहाँ चेन है, जिप लगी है, और इधर भी अच्छे वाली जिप लगी है इसमें, तो बहुत अच्छा है ये बैग, मेरी मम्मी इसको पर्स की तरह यूज करेंगी। ये मैं अपने लिए सूट लेके आई हूँ, मैंने कुछ इस तरीके का लिया, इसमें पजामा है, ये लेस है, और क्यूट क्यूट, और बाकी एज यूजुअल मेरा ब्लू कलर बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ, और ये देखो पीछे हमने पूजा भी कर ली है, और अपना खाना वाना जो भी था हमारा फलाहार वगैरह वो भी बना लिया है, और इधर मेरी मम्मी जो है रेस्ट कर रही है क्योंकि इनका थक के आई थिंक बुरा हाल है हुआ आज तो। और काफ़ी अच्छी बात है कि इनको बड़ा शौक था ऐसे, आज मुझे तो मार्केट घूमनी है, मुझे मार्केट घूमनी है, ऐसी मार्केट घुमाई इनको अट्टा मार्केट, आई थिंक दोबारा नहीं जाएंगी उधर बिल्कुल भी, क्योंकि रश छुट्टी की वजह से इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मतलब पूछो मत बिल्कुल भी। और मुझे ये ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आप लोगों को, मैं आज ही मतलब वैसे नहीं जलाती हूँ बट फिर भी अच्छा लगता है फेस्टिवल टाइम में ऐसे लाइटनिंग करना, और लाइटनिंग किसको अच्छी नहीं लगती, लाइटनिंग सबको अच्छी लगती है। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हैप्पी शिवरात्रि, खुश रहिए, प्यार बांटिए।